हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35 मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। बोला गया ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। कोई ए बिंदु है जो सेंटर से कितना है, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैं इसको बना लेता हूँ फ्रेंड यहाँ पे। ये मेरा सर्कल हो गया, ठीक है, इसका सेंटर हो गया, सेंटर मान लो ओ और ये पॉइंट मान लो ए। ठीक है, इनके बीच की दूरी दे रखी है मेरे को कितनी है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट, ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है ए पी एंड ए क्यू। मान लो पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, ये हो गया मेरा ए पी और ये हो गया मेरा ए क्यू। ठीक है फ्रेंड, ये मेरे कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। उसके बाद में क्या बोला गया है, इफ़ अ टेंजेंट बी सी इज़ अ ड्रोन, कोई दूसरी टेंजेंट है जो बी सी ड्रोन की गई है एट अ पॉइंट आर। ठीक है, पॉइंट आर पे लाइंग द माइनर आर्क पी क्यू, ये जो मेरी आर्क है ना पी क्यू, इस पी क्यू आर पे कोई दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की गई है जो कि आर पे टच करती है इस सर्कल को। ठीक है, एंड आगे इंटरसेक्ट ए पी एट बी, ए पी को पॉइंट बी पे काटेगी, कहीं पर भी काट सकती है, और ए क्यू को काटेगी सी पे। जैसे मैं आपको बना के दिखा दूँ, ये मैंने आपको ब्लैक से बनाया, आपको तीसरी टेंजेंट है, ठीक है, जो कि मैं बना रहा हूँ। मान लो ये टेंजेंट मेरी यहाँ पे करती है इंटरसेक्ट वो, ठीक है फ्रेंड, इस पॉइंट पे आर है और पी ए को, ए पी को किस पे काटती है, बी पे, एंड ए क्यू काटती है सी पे। ठीक है फ्रेंड, तो बताओ पैरामीटर कितना होगा ए बी सी का, ए बी सी का पैरामीटर बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन में कुल मिला के मेरे पास गिवन है ओ ए, जिसकी लंबाई है 13 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में रेडियस, रेडियस दे रखी मेरे को कितनी, रेडियस थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करे, जॉइन ओ पी एंड ओ क्यू। ठीक है, ओ पी ओ क्यू को मिलाया मैंने, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है फ्रेंड, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ओ से लेके आर तक ये भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, टोटल ओ ए 13 है, ये 5 है, तो रिमेनिंग पोर्शन यानी कि आर ए कितनी होगी मेरी, 13 में से 5 गए 8 सेंटीमीटर, आर ए होगी मेरी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, सॉरी आर अलग है, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो एम, एम ए है ये, मैं लिख दूंगा ओ पी ओ क्यू एंड ओ एम, रेडियस है जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड फ्रेंड इस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई सर्कल है जिसकी कोई टेंजेंट पास होती है तो रेडियस पे क्या बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है, तो जो मेरी ओ पी है वो परपेंडिकुलर किस पे होगी, पी ए पे, ओ पी परपेंडिकुलर होगी पी ए पे। इस वजह से ओ पी ए, ओ पी ए मेरा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री बनने की वजह से मेरा जो ये ट्रायंगल है जिसका नाम ओ पी ए है, ये 90 डिग्री है, ये दे रखा 5 सेंटीमीटर और ये दे रखा मेरे को 13 सेंटीमीटर, तो मैं इजीली पी ए की लेंथ निकाल सकता हूँ, मैं पी ए की लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ ए, त्रिभुज पी ओ ए में 90 डिग्री सामने वाली कौन होगी, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर प्लस में ए पी का स्क्वायर, ओ ए कितना है 30, ओ पी 5 एंड ए पी मालूम नहीं है, 13 को 13 से क्या 169, 55 से 25 ए पी का स्क्वायर, प्लस का है उधर एक्स को आ जाएगा माइनस का। ठीक है फ्रेंड, अब माइनस किया मैंने कितना है 144, इसके ऊपर जो स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे रूट, तो मेरा कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है फ्रेंड, किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि ए पी और ए क्यू दोनों कोने मेरी टेंजेंट है, दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी, ए पी यू इक्वल होगी ए क्यू के, नंबर वन मान लो,
ठीक है, क्योंकि ये क्या है टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है। सिमिलरली पी बी और बी आर, ये भी मेरे कौन है टेंजेंट है, बी पी और बी आर ये भी टेंजेंट है, इस वजह से इक्वल होगी। एंड सी आर एंड डी क्यू, ये और ये मेरी क्या टेंजेंट है, तो ये भी क्या होंगी इक्वल होंगी, सी क्यू इक्वल टू सी आर, इसको नंबर 3 दे दिया। और रीजन क्या होगा सब में, बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.2 प्रमेय 10.2, उसके अंदर बताया गया है ड्रो अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो एक्सटर्नल पॉइंट ही हो गया मेरा पी बी और बी आर क्या होंगे इक्वल होंगे, आर सी एंड सॉरी आर सी या सी आर इक्वल होगा सी क्यू के, और ए पी इक्वल होगा ए क्यू के, क्योंकि सारे की सारी क्या टेंजेंट है, तो प्रमेय 10.2 द्वारा। ठीक है फ्रेंड, अब ट्रायंगल एबीसी का पैरामीटर निकालना है मेरे को, जिसको मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं फिगर बना लेता हूँ ट्रायंगल एबीसी की। ये ए बी और सी, इनके बीच में कोई पॉइंट आ रहा था आर, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा इसकी फिगर, ए बी सी, यहाँ पे कौन आ रहा है आर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो करता हूँ मैं अभी ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पैरामीटर का मतलब क्या था, तीनों का सम, पैरामीटर परिमाप। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी मालूम नहीं है, ए सी मालूम नहीं है, बट बी सी के दो पार्टीशन है, पहला कौन है बी आर, दूसरा कौन है सी आर। ठीक है, अब फ्रेंड पीछे से मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड पीछे से मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख ली, बी पी इक्वल टू बी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर, जो कि मैंने पीछे अभी प्रूफ किया था, देखो जरा ये रही बी पी इक्वल टू बी आर एंड सी क्यू इक्वल टू सी आर, इस नंबर 2 और 3 को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, बी पी इक्वल टू बी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर, फिर मैंने लिखा यूजिंग 2 एंड 3 समीकरण 2 और 3 से, ए बी का ए बी रहा, ए सी का ए सी रहा, मैंने बी आर की जगह पे, ठीक है बी आर किसके इक्वल है बी पी के, तो यहाँ ले लिया बी पी, और सी आर, सी आर किसके इक्वल है सी क्यू के, ले लिया। ठीक है फ्रेंड, लेने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ पर एक पॉइंट था, ठीक है, इसमें पीछे वाली फिगर से मैंने इसको ड्रॉ किया है जितनी मेरे को ज़रूरत थी, तो यहाँ पर आ रहा था बी और यहाँ पर आ रहा था सी, यहाँ बी पॉइंट था, यहाँ पर सी पॉइंट था। अब फ्रेंड देखा जाए तो ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा मेरा, पी ए बन जाएगा प्लस ए सी प्लस सी क्यू, ए सी प्लस सी क्यू दोनों को जोड़ दे क्या बन जाएगा ए क्यू, सॉरी ये मेरा पी ए और ये ए क्यू। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने क्या बताया था टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है, ये मैंने 12 सेंटीमीटर निकाला था पीछे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने 12 सेंटीमीटर निकाला था, देखो जितना पी ए था देखो ये जितना पी ए था उतना ही कौन होगा ए क्यू होगा, पी ए यानी ए पी और ए क्यू क्या थे इक्वल थे, कितने 12 थे, तो ये भी 12 है और ये भी 12 है, कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और ये क्या आ गया इसका पैरामीटर आ गया, परिमाप यानी कि पैरामीटर आ गया ट्रायंगल एबीसी का, और यही मेरे को निकालना था। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ मेरी मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।